आज से दो दिन पहले ही आपको मैंने अपडेट दी थी लूना क्लासिक के बारे में और टेरा का जो अपना इनका स्टेबल कॉइन था उसके बारे में। तो आप देख सकते हो फाइनली इनमें एक बहुत ही बड़ा पंप हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 7 दिनों के अंदर 40% से भी ज़्यादा प्रॉफिट जो USTC है ये हमें ऑलरेडी दे चुका है। इसी के साथ साथ अगर हम लूना क्लासिक की बात करें तो 20% से ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया है। लेकिन यहाँ पे एक सडन पंप हमें देखने को मिला है टेरा लूना क्लासिक में। इसके पीछे कई सारे रीजन्स है, एक तो बर्न का रीज़न है और दूसरा यह कि यहाँ पे इसको सपोर्ट और भी ज़्यादा मिलने वाला है क्योंकि अभी जो CZ हैं वो बाहर आ चुके हैं प्रिजन से। तो यहाँ पे कुछ और भी टेक्निकल डिटेल्स हैं इसको लेकर, क्योंकि ये हमें बहुत लंबे समय से उम्मीद है कि लूना क्लासिक बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है जिसको हम $1 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे और फाइनली यहाँ पे 1-0 कट हो चुकी है। और इसी के साथ साथ USTC देखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू $0.024 तक पहुँच चुकी है, यानी कि लगातार हमें इसमें पंप देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी बुल रैली आ चुकी है, बुल रन हमें देखने को मिल रहा है। BTC की बात करें तो BTC भी $65,000 से ऊपर चल रहा है जिसकी वजह से सारे ऑर्डकंड सभी अच्छा मार्केट में मूव ले रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, इसे लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज वॉचफोर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉचफोर्ड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे हम सारी अपडेट सबसे पहले डालते हैं। तो टेरा लूना क्लासिक की बात करें तो यहाँ पे टैक्स टू गैस की तरफ इनका जो बहुत लंबे समय से प्रपोजल था अब उसकी तरफ इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ चुका है। इम्प्लीमेंटेशन हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। यहाँ पे दो चीज़ें और ये न्यूज़ की वजह से ही हम ऑलरेडी पंप देख पा रहे हैं जो कि पिछले एक हफ्ते के अंदर 20% से भी ज़्यादा प्रॉफिट हमें इसी वजह से मिला है। और सिक्योरिटी अपडेट का प्रपोजल जो चल रहा था जिसको हम टैक्स टू गैस भी बोल सकते हैं उसके बेसिस पे हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी है उन्होंने वोट किया V3.1.6 अपग्रेड प्रपोजल के लिए जिसमें सिक्योरिटी पैच तो आई, इसी के साथ साथ गैस सिमुलेशन के ऊपर भी लगाया गया टैक्सेबल ट्रांजैक्शंस को लेकर। और इसकी जो वोटिंग करेगी थी ये गवर्नेंस वोटिंग करेगी स्टेशन वॉलेट के ऊपर। तो यहाँ पे दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, एक तो ये कि WASMVM ये एक सिक्योरिटी पैच का नाम है जो कि अपग्रेड किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो अगला चेंज है वो ये कि इसमें जो टैक्स टू गैस है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि टैक्सेबल ट्रांजैक्शंस रहने वाली हैं जिसमें गैस सिमुलेशन देखा जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ यह कि लेटेस्ट प्रपोजल के लिए कम्युनिटी की तरफ से येस के ऊपर सबसे ज़्यादा वोट्स आई हैं, तो डेलीगेटर्स वैलिडेटर्स इन सभी ने अप्रूव किया है। तो ये जो नया प्रपोजल है इसकी अप्रूवल के साथ साथ हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ये 4 अक्टूबर को देख सकते हैं, यानी कि अभी 3-4 दिन का टाइम बाकी है लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम TFL की बात करें यानी कि टेराफॉर्म लैब्स की बात करें तो इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है बैंक्रप्टसी कोर्ट के द्वारा कि इनको जो ऑपरेशंस है वो वाइंड डाउन करने पड़ेंगे SEC सेटलमेंट के बाद। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो ये कि जो CZ है उनको रिलीज़ कर दिया गया है। रिलीज़ करने की वजह से जो बाइनेंस के ऊपर LUNC का बर्न है वो भी आने वाला है। तो इसी की वजह से अभी जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट CZ की वजह से और बर्न आने की वजह से सामने दिख रहा है कि अभी ऑलरेडी पंप होना शुरू हो चुके हैं USTC और लूना क्लासिक दोनों के दोनों। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो हमें देखने को मिली है वो ये है कि बहुत ही लंबे समय के बाद जो लूना क्लासिक की वैल्यू थी इसमें 4 जीरो थी, अभी 4 में से 1 जीरो कट हो चुकी है, तो अभी इसकी वैल्यू $0.00001026 के आसपास आ चुकी है। यही कारण है कि सभी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू $1 तक भी जाने वाली है इसी बुल रन के अंदर। तो यहाँ पे जो टोटल सप्लाई है ये 6.7 ट्रिलियन LUNCs की है, यानी कि सप्लाई इतनी ज़्यादा कि अगर ये रेगुलर बेसिस पर बर्न किया जाता है सप्लाई तो काम होगी होगी, इसी के साथ साथ प्राइस भी बढ़ेगा। और अगर हम इतनी ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स देखते हैं तो यही कारण है लूना क्लासिक के साथ साथ USTC में भी हमें पंप देखने को मिल रहे हैं जो कि 40% से भी ज़्यादा हमें प्रॉफिट दे चुका है और अभी यहाँ पे 2 सेंट से भी ऊपर इसकी वैल्यू जा चुकी है, यानी कि यहाँ पे लगातार हमें मूव देखने को मिल रहा है जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा नीचे वैल्यू जा चुकी थी। मोस्ट रिसेंट ऑल टाइम हाई देखें तो 1 साल के अंदर ये $0.07 के आसपास गया था, तो यहाँ पे अभी 0.025 से लेकर 0.070 तक भी प्राइस जा सकता है आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि वो रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होगा तो हमें यहाँ पे 10 सेंट तक का प्राइस देखने को मिल सकता है USTC में। और इसका एक प्रपोजल भी पहले डाला गया था कि इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है, इसको स्टेबल कॉइन $1 के बजाय $0.1 के आसपास बनाया जा सकता है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, यानी कि 10 सेंट का इसको एक स्टेबल कॉइन बनाया जा सकता है USTC को। तो जनरली स्टेबल कॉइन का मतलब ये होता है कि वो डॉलर के साथ पैक होता है यानी कि $1, लेकिन ये जो USTC है इसको 10 सेंट पे पैक किया जाएगा यानी कि हमेशा 10 सेंट पे रहेगा और इसको यूज़ किया जा सकता है लूना क्लासिक की इकोसिस्टम में।
तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही लूना क्लासिक के बारे में और यूएसटीसी के बारे में। लेकिन अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट जरूर करो, क्योंकि यहाँ पे कई सारी अपडेट्स आ रही हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो चाहे वो शिवा को लेकर हो या फिर अच्छे ऑल्टकॉइंस की बात करें जो अभी बहुत ही बड़ी पोटेंशियल रखते हैं, जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था। तो उम्मीद आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।